गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, चैप्टर 14, डाटा हैंडलिंग। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी हैंडल द डाटा। हमारे पास कई बार क्या होता है, डाटा होता है बहुत सारा, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, वो हमको इसमें डाटा हैंडलिंग चैप्टर में जो है सिखाया जाता है। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको जो है कुछ स्टूडेंट्स के शू साइज़ दिए हुए, यानी उनके जूतों के साइज़ दिए हुए। हमें इस डाटा को वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे, वो इसमें दिया गया है। देखिए पहले हम लिखेंगे, देखिए जितने भी कॉमन शू साइज हैं, देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। हमने यहाँ फिर एक टेबल बनाते हैं जिसको हम फ्रिक्वेंसी टेबल कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे शू साइज, फिर आती है हमारी टैली मार्क्स जो हमने प्रीवियस क्लास में भी किए थे, टैली मार्क्स लगाएंगे और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इस डाटा को हैंडल करेंगे। देखिए शू साइज जो हमारे हैं वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 है। तो फिर हम देखेंगे, देखिए इस पूरे डाटा को देखेंगे कि टैली मार्क्स में कैसे हम फ्रीक्वेंसी आती थी। पहला हमारा 5, तो 5 नंबर पे हम 1 टैली मार्क लगा देते हैं। फिर 4 है, 4 पे 1 लगाएंगे, 6, फिर 7 है, फिर 5 है, तो इसके आगे एक और टैली मार्क लगाएंगे, 6, 5, 3 बार आया है, 4 सेकंड टाइम, 7 सेकंड टाइम, 6 थर्ड टाइम, 5 फोर्थ टाइम, फिर 8 फर्स्ट टाइम आया, 7 थर्ड टाइम। इस तरह से हम जो है टैली मार्क लगाएंगे। जब हमारा 4 हो जाएंगे, 5th हम ऐसे लगाते हैं, ये जो है एक अलग से जो इसका बंडल बन जाता है 5 का। तो इस तरह से हम टैली मार्क्स लगाते हैं। फिर हमारा 6 आया है, ये 5 पे ऐसे हो जाएगा। फिर 6 अगर वो 6 टाइम आया है तो फिर उसको अलग से सेम ऐसे ही बनाएंगे बॉक्स, 6 7 6 6 5 फिर 7 5 6 7 6 7 7 7 फिर 5 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 4 फिर 5 फिर 4 और फिर 6। देखिए इतना सारा डाटा जो हमने ऑर्गेनाइज तरीके से एक टेबल में इस तरह से लिख लिया। तो जो 4 नंबर साइज है जिनका, वो कितने स्टूडेंट हुए टोटल, 4। जिनका 5 साइज है, 5 और 5, जो ये एक बॉक्स होता है ये 5 का होता है, तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका शू साइज कितना है, 5 है। फिर 6 10 5 5 10 और यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो शू का साइज है वो कितना है, 6 है। जिनका 7 है वो 11 और जिनका 8 है वो 3। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हुए हमारे, जो हमें जो है दिया गया था 40। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करते हैं। तो इस तरह से आप जो टेबल बनाते हैं उसको कहते हैं हम टैली मार्क्स लगाना, और ये बनाया जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए। आपको इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है, इसमें दिया गया है कि नोट और ऑब्टेनिंग रोल नंबर, कि हमने एक जो डाई है वो रोल की है 50 टाइम्स और हर बार जो उसमें क्या क्या नंबर आए हैं। फिर फ्रिक्वेंसी जो टोटल नंबर कितने होते हैं डाई पे, 6 1 2 3 4 5 6, उसके 6 फेसेस होते हैं और उन पे ये नंबर जो है प्रिंट होते हैं। तो फिर बस 50 टाइम्स हमने की है तो टैली मार्क्स लगाएंगे कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। इस तरह से क्या होता है, जो ये पूरा अनऑर्गेनाइज डाटा है इसको हमें ऑर्गेनाइज तरीके से एक टेबल की फॉर्म दे देते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर आता हमारा मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ये तो जो हम पहले किया था वो क्या कही थी, हमने जो टैली मार्क्स लगाए थे इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा। फिर आता हमारा अनग्रुप्ड डाटा, यानी जिसके हम ग्रुप नहीं बना सकते, यानी सबकी फ्रिक्वेंसी जिसमें जो टैली है वो सब एक एक बार ही आए हो, तो उस डाटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए होता है हमारा मीन मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम करेंगे मीन।
मीन होता है हमारा एवरेज, यानी जो हमें टोटल डाटा दिया गया है उसका जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं मीन। देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है, आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है इतनी, हमें जो इन ऑब्जर्वेशन है इनका हम मीन कैसे कलेक्ट करेंगे। देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, 5, 12, 7, 13, 15, 70 and 1। तो जब भी हम मीन करते हैं, मीन का होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो आपको डाटा दिया गया है ऑब्जर्वेशन और गिवन डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है हमारा मीन का। जैसे हम एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, हम इन सब का सम कर देंगे, इन सब को ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर यानी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका सम आएगा हमारा 70 और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन कितना आया, 10। तो इस तरह से हम जो है मीन जो है फाइंड आउट करते हैं। फिर आता है हमारा मीडियन। मीडियन हम क्या करते हैं, जो भी हमें अनग्रुप डाटा दिया होता है हम उसको पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हमें डाटा दिया गया 4, 18, 10, 19, 8, 15, 16, 7 and 26, तो इसको हम इन दोनों में से किसी भी एक ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले लिखेंगे, चलो हम असेंडिंग में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े, तो पहले सबसे जो छोटा है उसको पहले लिख लें, 4, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 19 and 26। अब इनको काउंट करेंगे कितनी ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो जो इनके बीच की है वही हमारा मीडियन होता है, जो बीच में होता है, मीडियम में 1, 2, 3, 4। देखिए 4 इस साइड और 4 इस साइड, बीच में हमारा क्या आया, 15, तो इसका मीडियन क्या होगा हमारा, 15। जो डाटा के जो नंबर्स है वो अगर ओड में है तो उसमें तो हमें मिल जाएगी बीच में एक टर्म, लेकिन देखिए आपके पास नंबर है 13, 15, 19, 20, 21, 22 and 27। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसमें भी 3 नंबर एक साइड, 3 नंबर एक साइड। अगर हमारे पास होती ये 6 नंबर होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम हमारे पास कोई भी एक नंबर नहीं बचता, तो क्या करते हैं हम बीच वाले दो 2 नंबर से उनको लेते हैं, उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो इसकी मीडियन कितनी हुई हमारी, 7.5। तो जब भी आपके नंबर्स में कोई बीच का नंबर एक ना मिले तो बीच के जो मिडिल के जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन जो है वो निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है कि डाटा का वो नंबर, वो वैल्यू, वैल्यू विच अकर्स द मोस्ट, यानी जो कई जो उस डाटा में बार बार आई है। जैसे आपको जो दिया गया डाटा कि आपको इनका मोड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 and 8। देखिए इसमें 2 एक बार आया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, बट 7 जो हमारा 2 बार आया, यानी सबसे ज़्यादा बार क्या नंबर रिपीट हुआ है, 7। तो इसका मोड क्या होगा हमारा, 7। तो इस तरह से हम मीन, मीडियन और मोड जो है वो फाइंड आउट करते हैं गिवन और अनग्रुप डाटा का। तो स्टूडेंट्स आपको जो है एक्सरसाइज करनी है 14.1, इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड के ही क्वेश्चन है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।